This Lallantop video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। तारीख 10 दिसंबर है, वक्त दोपहर 2 बजे से, जगह विंध्यवासिनी पार्क या वी पार्क, और शहर निराला, अद्भुत प्रेमी शहर गोरखपुर। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। निखिल श्रीवास्तव, भारतीय मूल के अमेरिकी मैथमेटिशियन, बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में गणित पढ़ाते हैं। अपने क्षेत्र के चुनिंदा बेहतरीन लोगों में शामिल हैं। कई प्रतिष्ठित अवार्ड जीत चुके हैं। हाल फिलहाल में उन्हें एक और प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए संयुक्त रूप से चुना गया है। अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ने निखिल श्रीवास्तव, एडम मार्कस और डेनियल स्पाइलमैन को पहले सिप्रियन फोयस प्राइज के लिए चुना है। इन तीनों को ये अवार्ड 6 दशक पुरानी एक गणितीय पहेली का हल निकालने के लिए दिया जा रहा है। अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ने कहा कि इन तीनों मैथमेटिशियंस ने अपनी मौलिक समझ के चलते उस समस्या का हल निकाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निखिल श्रीवास्तव और उनके साथियों को मैट्रिसेस को समझने और सरल करने के लिए इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तीनों मैथमेटिशियंस को अवार्ड के लिए नॉमिनेट करते हुए अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ने कहा कि इन तीनों ने मिलकर उस समस्या को हल कर दिया है जो पिछले 62 साल से बनी हुई थी। सोसाइटी की तरफ से ये भी कहा गया कि इन तीनों ने लीनियर अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स और ग्राफ थ्योरी के बीच नए और गहरे संबंध खोज निकाले हैं। साथ ही साथ इन्होंने रामानुजन ग्राफ्स के नए एक्सटेंशन प्रस्तुत किए हैं जो इंटरकनेक्टेड डेटा नेटवर्क को विस्तृत तरीके से परिभाषित करते हैं। तीनों मैथमेटिशियंस को सिप्रियन प्राइज जनवरी 2022 में दिया जाएगा। ये अवार्ड सिएटल में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मैथमेटिकल मीटिंग के दौरान दिया जाएगा। आपको बता दें, सिप्रियन फोयस ऑपरेटर थ्योरी और फ्लूइड मैकेनिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़े और प्रभावशाली विद्वान थे। साल 2020 में उनके नाम पर ही इस अवार्ड को शुरू करने का फैसला लिया गया था। इस पुरस्कार के तहत विजेता को $5,000 मिलेंगे। निखिल श्रीवास्तव, एडम मार्कस और डेनियल स्पाइलमैन ने जिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम का हल निकाला है उसे कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम के तौर पर जाना जाता है। और ये समस्या केवल गणित तक ही सीमित नहीं थी, इंजीनियरिंग और क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में काम करने वालों को भी इस समस्या से गणितज्ञों की तरह ही दो चार होना पड़ता था। अवार्ड के लिए अपने नामों की घोषणा के बाद निखिल श्रीवास्तव, एडम मार्कस और डेनियल स्पाइलमैन ने एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वे इस पुरस्कार को उन लोगों की तरफ से स्वीकार करना चाहते हैं जिन्होंने कैडिसन सिंगर समस्या का हल निकालने के लिए मेहनत की। मैथ की फील्ड में निखिल श्रीवास्तव अमेरिका में काफ़ी चर्चित नाम है। इससे पहले भी कई तरह की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सरल बनाने के लिए वो कई अवार्ड जीत चुके हैं। साल 2014 में उन्होंने जॉर्ज पॉयला और इसी साल माइकल एंड शीला हेल्ट प्राइस जीता है। आपके लिए यह खबर लिखी हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।